कि बेटियों का गुनाहगार मैं नहीं हूँ, बेटियों के सम्मान का कोई अगर गुनाहगार है तो बजरंग हैं, दिनेश हैं या आंदोलनकारी है, और जो स्क्रिप्ट लिखा भूपेंद्र हुड्डा ने ये जिम्मेदार हैं, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। अब मुझको बीजेपी क्यों प्रचार के लिए भेजेगी? बहुत नेता हैं बीजेपी के अंदर, लेकिन अगर कहेगी तो मैं जा सकता हूँ। देखिए, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा, एक दिन कांग्रेस को पछताना पड़ेगा। 18 जनवरी को जब जंतर मंतर पर प्रदर्शन शुरू हुआ था, तो उस दिन तमाम ऐसे लोग थे जिनको लगा था कि शायद इसमें सच्चाई है, महिलाओं के साथ बदतमीजी हुई है, बेटियों के साथ बदतमीजी हुई है। आज वो लोग भी अपने आप को छले महसूस कर रहे हैं। देखिए, इन्होंने हरियाणा खेल के कारण या खेल का के क्षेत्र में भारत का मुकुट है, और जिस तरीके से इन्होंने लगभग 2.25 साल तक कुश्ती की गतिविधि को एक तरीके से ठप कर दिया, और क्या यह सत्य नहीं है कि एशिया चैंपियनशिप में, एशियन गेम्स में बजरंग बिना ट्रायल के गए थे? क्या यह सत्य नहीं है? मैं खुद पूछना चाहता हूं, कुश्ती के जो जानकार हैं उनसे पूछना चाहता हूं, विनेश फोगाट से पूछना चाहता हूं कि क्या एक खिलाड़ी एक दिन में 2 वजन में ट्रायल दे सकता है? क्या वजन के बाद 5 घंटे तक कुश्ती रुकवाई जा सकती है? आप नियम की बात कर रही हैं, क्या ये नियम है कि एक दिन में एक खिलाड़ी 2 वेट कैटेगरी में ट्रायल दे? इसमें आपने हक नहीं मारा क्या? 5 घंटे तक कुश्ती नहीं रखवाई क्या? रेलवे के रेफरियों का इस्तेमाल नहीं हुआ? आप कुश्ती जीत करके नहीं गई थी, आप चीटिंग करके गई थी, जूनियर खिलाड़ियों का हक मार करके गई थी। भगवान ने वही सजा दी है आपको।